इसे बनाने के लिए ये मैंने सफ़ेद कलर से बनाया है शुरू में। इसे एक चैन बनाना है इस तरह से, एक और बनाना है और इसे एक इंच तक हमें लंबाई रखनी है ये इस तरह से। फिर हमें इसे डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस डबल क्रोशिया पे हमें और दो, एक और एक बार बनाने में, और इस फंदे को हमें बंद करना है ऐसे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से बंद करना है। इस तरह से हमें यह जो है अपनी लंबाई अनुसार हमें बना लेने हैं। फिर इसे इसी साइज के अनुसार हमें अंदाज से यहाँ पे एक दो अरे यार तीन, फिर इसको उसी प्रोसेस के तरह बंद करने हैं। फिर यहाँ चैन, फिर इसे एक दो तीन, इस तरह से अपने लंबाई के अनुसार हमें बना लेने हैं। मैं यहाँ पे मैंने अभी तीन बनाया है, एक दो तीन, चार बन गए हैं। एक उसके बाद दो, इस तरह से मैं अपने लंबाई के अनुसार बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सात बना चुके हैं, जैसे कि एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात सेवन बनाने के बाद अब मैं इस पर फिर बनाऊंगी दो तीन। अब इसे बनाने के बाद इसे बंद नहीं करना है हमें, इसे मैं बंद नहीं करूंगी, इसे या बंद नहीं करना है। इस पर हमें फ्लावर बनाने हैं। ये कैसे बनाने हैं उसे मैं बताऊंगी। यहाँ इस पे हमने बनाया, अब इस फंदा को इस तरह लेते हुए क्रोशिया पे यहाँ ये सेकंड एक पे मैंने बनाया है। अब यहाँ इस पे बनाना है, इसके बीच वाले पोर्शन पे इस तरह से एक एक और एक दो। फिर नेक्स्ट इस तरह लेते हुए ये तीसरे पे, तीसरे के बीच पे फिर उसी तरह उसी साइज के एक अब ये हो गए हमारे तीन, एक दो तीन, तीन को एक साथ हमें बंद करना है। तीन को यहाँ मैं एक साथ बंद करूँगी या इस तरह से।
ये हमारा बंद हो चुका। अब यहाँ यह तीन बना, अब एक फ्लावर यहाँ पे फिर से बनाने हमें इस तरह से, एक दो कंप्लीट है। अब यहाँ बनाने के साथ में एक फिर यहाँ जहाँ पर मैंने दूसरा बार डाला था इस तरह से, यहाँ से एक दो यहाँ होने के बाद अब दूसरा यहाँ पे बनाना है इस हॉल पे, एक दो। अब ये तीन दिन आ गए हमारे, एक दो तीन, अब तीन को एक साथ में क्लोज करना है इस तरह से। क्लोज करते समय हमें ध्यान देना है कि इसे इस तरह बंद करते हुए यहाँ से हमें बांधने हैं, इस तरह से इसे बांधने हैं। यह फ्लावर हमारा इस तरह का बनेगा। फिर यहाँ पे एक हमें बनाने हैं, एक दो, फिर नेक्स्ट यहाँ बनेगा, एक दो, फिर नेक्स्ट यहाँ आएगा, एक दो, फिर हमारा तीन, एक दो तीन हो गया। अब मैं यहाँ फिर से बंद करूँगी। इस तरह से बंद करना है, बंद करने के साथ एक चैन बनाना है। यह हमारा इस तरह से कंप्लीट करना है। इसे मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरह। यहाँ पे दो पत्ती है, अब एक लास्ट है, एक और ये एक, तो हो गया है। इस तरह से हमें तीन पत्ती को हमेशा लेते हुए बनाना है। यह हमारा तैयार हो गया है। अब मैं नेक्स्ट बताऊंगी। यह रो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा रो के लिए यह जो है इसे हमें इस तरह से पलटना है, ये इस तरह का हमें एक बब यहाँ बनाना है, एक बंद किया, एक और हम बनाना है इसके ऊपर किनारे तरफ। हमें ध्यान देना है दो बार दो रो का बनाना है। एक बन गया। अब हमें ध्यान देना है कि ये बीच वाला यहाँ यहाँ पे हम फिर एक बल्ब बनाने हैं, एक फिर एक यहाँ बनाने हैं, फिर तीन पत्ती को जैसा कि हमने पहले बनाया है फिर एक यहाँ देखिए यह इसका शेप इस तरह का आएगा। फिर हमें बल्ब बनाने हैं, हो गए। अब नेक्स्ट यहाँ पे बनाने हैं,
दो बल्ब बने हैं, तीसरे बनाने हैं। तीसरे मैं यहाँ बनाऊंगी। उस तीनों को घटा देना। इस तरह का शेप बनेगा हमारा। नेक्स्ट फिर बनाने हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इस पे आएगा। नेक्स्ट इस पे आएगा। हमारे एक दो तीन हो गए हैं। फिर यहाँ बनेंगे। नेक्स्ट यहाँ बनेंगे। यह एक रो की तरह बनता चला जाएगा, जो हमें बनाना बहुत ही आसान है। तीन पत्ती हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ एक दो। नेक्स्ट हमारा यहाँ आएगा, यहाँ पे एक तीन पत्ती हो। यहाँ पे थोड़े से यहाँ ध्यान देने हैं। यहाँ हमारे यहाँ पे हमने लास्ट में दो का है, इसलिए हमें यहाँ दो का बना के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसा कि लास्ट में हमें दो बनाने हैं, जैसे एक एक बनाए हैं, एक के ऊपर एक। दो हुआ। फिर इसी तरह से हमें रिपीट करते जाना है और अपनी लंबाई के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, जितना लंबाई का बनाना चाहें हम इसे बनाते चले जाएंगे। और अपना टेबल मैट को जितना लंबाई रखनी है उसको रखेंगे। कंप्लीट बनने के बाद यह हमारा पैटर्न इस तरह का नज़र आएगा। इसे दूसरे कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, दो कलर से भी इसे बना सकते हैं। इसे मैं थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह से कंप्लीट होने के बाद यह इस तरह से दिखेगा। इसे हमें अपना इच्छा अनुसार साइज को बना लेना है। और ये देखिए, ये बनके कंप्लीट है। ये बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।